अमेरिका ने इसराइल को आगाह कर दिया है कि ईरान जल्द ही उसके ऊपर एक बड़ा हमला कर सकता है या फिर वो अपने प्रॉक्सी हिजबुल्ला से ये हमला करवा सकता है और इसको लेकर पूरा इसराइल अब हाई अलर्ट पर है। दूसरी तरफ इजरायली सेना ईरान से संभावित युद्ध या जवाबी कार्रवाई की तैयारी में पहले ही लग चुकी है। इजरायल का कहना है कि अगर ईरान ने अपनी धरती से उसके ऊपर हमला किया तो इजरायल भी ईरान के ऊपर सीधा हमला करेगा और दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच ब्रिटेन, जर्मनी और रूस ने मिडिल ईस्ट के देशों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन ईरान फिलहाल पीछे हटता हुआ दिख नहीं रहा है। खुद ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई कह चुके हैं कि वो इसराइल को ईरानी दूतावास पर हमले की सजा देकर रहेंगे। और अब इसराइल पर हमला करने से पहले ईरान संयुक्त राष्ट्र में ऐसी नाकेबंदी करने में लगा हुआ है जिससे ईरान पर भविष्य में इसराइल पर हमला करने को लेकर कोई सवाल ना उठे। दरअसल अब ईरान संयुक्त राष्ट्र पर ईरानी दूतावास हमले की निंदा करने का दबाव डाल रहा है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दशमिक में हमारे राजनयिक परिसरों पर इसराइल के आक्रामक कृत्य की निंदा की होती और उसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया होता तो ईरान के लिए इसराइल को दंडित करने की अनिवार्यता खत्म हो गई होती। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2024 को सीरिया की राजधानी दशमिक में ईरानी दूतावास पर एक हवाई हमला हुआ था। इस हमले में ईरानी सेना के 7 बड़े अधिकारी मारे गए थे और इस हमले का आरोप ईरान ने इसराइल पर लगाया था और तब से मिडिल ईस्ट में इसराइल और ईरान के बीच एक बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया है। हालांकि गाजा में चल रहे युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट के हालात पहले ही काफी तनावपूर्ण हैं और अब इसराइल पर हमला करने से पहले ईरान अपने पड़ोसी मुस्लिम देशों को भी भरोसे में लेने की कोशिश कर रहा है। 11 अप्रैल 2024 को ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहेन ने कतर, सऊदी अरब, यूएई, इराक और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की है। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालोना बैरबॉक ने ईरान को संयम बरतने की गुजारिश की है। हालांकि इस पूरे झगड़े में अमेरिका साफ कह चुका है कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला करने की जरूरत की तो वो इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर टूट पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने एक बयान में ये बात कह चुके हैं कि अमेरिका इसराइल को एक लोहे का सुरक्षा कवच दे रहा है जिसे अगर किसी ने भेदने की कोशिश की तो अंजाम बेहद ही भयानक होगा। और बाइडेन के बयान से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन लॉयड और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात कर चुके हैं। दोनों ने ही ईरानी हमले के खिलाफ इजरायल के साथ दृढ़ता के साथ खड़े रहने की बात कही है। खुद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तुर्की, चीन और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से बात कर चुके हैं और ब्लिंकन ने ये साफ कह दिया है कि ईरान के लिए संदेश साफ है कि वो इसराइल से उलझने की हिम्मत ना करे।